फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निकुंज बुटीक। फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं एक स्टाइलिश प्लाजो, साथ में क्रॉप टॉप, और इसमें ही एक मैं थ्री पीस बना रही हूँ, ये एक और इसमें लॉन्ग जैकेट बनाऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्लाजो और क्रॉप टॉप दिखाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग जैकेट दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। इसका घेरा हमने 12 इंच डबल, मतलब 24 इंच हो जाएगा टोटल घेर राउंड। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये प्लाजो कट कर रहे हैं। सबसे पहले प्लाजो की लेंथ होगी हमारी 34, हिप होगी 32। ये हमने कपड़ा बराबर रखा, मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड लिया है, खुली तरफ मेरी तरफ है और बंद साइड उधर है। अब हमने करीब करीब 12-13 इंच पे निशान लगा लेना है हमें, 12 इंच पे लगाती हूँ मैं इस तरीके से, और पट्टी को छोड़ के लगाना है, पट्टी को कहीं ऐड नहीं करना है। अब यहां से हम लेते हैं, इसका हाफ हो जाएगा 6 इंच। 6 इंच से हम जितना हमारी हिप है उस उतना ही हमने रखना है, उसमें 1 इंच प्लस करके आधा हिस्सा इधर और आधा इधर रख लेंगे। ये देखिए, अब हमने लेना है, हिप है 32, तो इसका चौथा हिस्सा हम रखते हैं प्लाजो में, क्योंकि 4 फोल्ड होता है, ये 4 पार्ट कटते हैं, डबल डबल फोल्ड करके काटती हूँ तो ये 4 फोल्ड हो जाता है। तो हमारा हिप है 32, तो 8 चौक 32 का फिर हम यहाँ से लेंगे 1 इंच, मैं इसमें ऐड करूंगी, प्लेट लगाएंगे तो मैंने रखा 9 इंच। तो 9 इंच रखना है, तो ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया है उससे 4.5 इधर और 4.5 इधर हो जाएगा, ये यहां से हम लगाएंगे 4.5 इधर और 4.5 इधर, 9 इंच पे रखेंगे। ये सेंटर था, ये नहीं, ये जो लगाया था ये नहीं होगा इस तरीके से। और फिर यहां से हम 10 इंच का आसन लेंगे, ये मैंने इसका हाफ लेके आधा इधर इसलिए किया है, क्योंकि अगर हम इसका हिप कम है और मोहरी ज्यादा रखनी है, मोरी ज्यादा रखेंगे तो यहाँ इस तरफ स्पेस नहीं है कपड़े में, इसलिए मैंने जितना रखना है उसका सेंटर रखा है, फिर आधा इधर और आधा इधर रखा है मार्जिन, 4.5 इस तरफ 4.5 इधर, 9 मैंने रखा है और 10 मैंने आसन लिया है, ये 1 इंच छोड़ के, क्योंकि ऊपर बेल्ट लगेगी 1 इंच की, तो ये मैंने 10 इंच ले लिया। ये देखिए 1 इंच ऊपर छोड़ के आसन का, 2.5 इंच हम आसन लेंगे इस तरह से और इसको मिला देंगे। अब हमने लेना है यहां से, हमारा यहाँ पे था 12 इंच टोटल नीचे लंबाई लेंगे, अभी पहले 1 इंच ऊपर छोड़ के ही लेनी है लंबाई, क्योंकि बेल्ट आएंगे, 2 इंच में मार्जिन रख रही हूँ फोल्ड का इस तरह से, ये मिलाएंगे फिर ये वाले को, फिर अब हमने इसका हाफ ले लेना है, 6 था क्योंकि 12 टोटल रखा था हमने, 12 इंच, तो इसका हाफ में आ जाएगा ये, और हमने मोहरी रखनी है इसकी, मैंने मोहरी 12 ही रखनी है, तो इधर और पट्टी छोड़ के इधर ये 12 इंच पे निशान हो जाएगा इस तरीके से। अब हमने सेव पट्टी की सहायता से इसको इस तरीके से मिला देना है तरीके से, अब इसको पलट के इधर से ऐसे, और फिर पलट के इधर से लगाएंगे। सेव पट्टी में भी 2 टाइप की आती हैं, एक में ज्यादा कर्व होता है और ये कम वाली है, तो मैं ज्यादातर ये कम वाली यूज करती हूँ, ये मुझे ज्यादा सही लगती है। ज्यादा जिसमें कर्व होता है तो सिलाई के बाद थोड़ा खिंचाव लगा, हमेशा मतलब खिंचा खिंचा लगता है ये चीज पे, जब हम सिलाई लगाते हैं तो खिंच जाता है, तो इसलिए मैं ये ज्यादा यूज करना सही समझती हूँ। अब हम इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है 3 पीस का, और फेस्टिवल सीजन है तो बहुत अच्छा लगेगा।
ये हमने सामने के पार्ट कट किए। अब हम करेंगे पीछे, पीछे के पार्ट में वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है हमने, तो ये मेरा डबल अर्ज कपड़ा था तो इसमें आसानी से हो जाएगा। पहले देखते हैं किस तरफ से चौड़ा ज्यादा है, क्योंकि हमारा आसन वाला हिस्सा है वो 12.5 है और मोरी हमने 12 ली है, तो 15 इधर से है और ये भी 14.5 है, तो ज्यादा इसी तरफ है, इधर ही रखें। ये पार्ट हमारा ज्यादा है लेकिन इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है बिल्कुल भी, आप एडजस्ट करने के चक्कर में टेढ़ा ना करें क्योंकि फिर प्लाजो की शेप खराब हो जाती है। ज्यादा हैवी हिप नहीं है इसमें, 2-2 इंच भी एक्स्ट्रा रखेंगे तो काफी रहेगा, तो मैं इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। आसन ये चीज हमने जितना यहां लिया है उतना ही उस तरफ भी लेना है। और इस तरह से मिला देंगे। अब हमने 2 इंच पीछे का यहां से भी एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच ऊपर, और ये चीज हम मिला देंगे इधर। ये चीज हमने नहीं एक्स्ट्रा रखी थी ये, और मैं बता देती हूँ आपको, इसको मैंने सिर्फ 1/2 इंच खाली रखना है और इससे पट्टी की सहायता से इसे मिला देंगे ये चीज। अब इसको हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, ये हमारा प्लाजो कट के रेडी है। अब हमने काटना है क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप का डिजाइन मैं पीछे से पूरा ओपन रख के और उसमें डोरी लगाऊंगी। सबसे पहले हम ये टेढ़ा कपड़ा अलग करते हैं। ये देखिए, इसको मैं कट करूंगी सामने से। क्रॉप टॉप की लंबाई मैं 12 इंच तैयार रखूंगी, तो ये मैं यहां से 14 इंच लूंगी और 14 इंच पे मैं इस तरह से इसको मैं कट कर लेती हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है इसलिए। अब इसको अलग रख के, ये कपड़ा एक्स्ट्रा है को हम उतना ही रखेंगे जितना हमने चाहिए, हमें चाहिए। ये हमारा है, इसका चेस्ट होगा 30 चेस्ट में हमें कितना 27 28 वही 7.5 करीब आएगा हमारा। तो मार्जिन भी रखना है पीछे से, ये मैं एक्स्ट्रा काट रही हूँ, पीछे वाला मैं बीच से कट कर दूंगी, उसमें मैं डोरी लगाऊंगी इस तरह से और ये क्रॉस क्रॉस टाइप से ऐसी डोरी लगाऊंगी मैं। इसमें मुझे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है कपड़ा। कोई भी चीज कभी भी कान वाली मतलब टेढ़ेपन में कपड़ा हो तो कभी भी ना काटें, क्योंकि आपका इतना मेहनत लग जाएगा और फिर बाद में जब आप पहनोगे तो वो टेढ़ा ही नजर आता है, वो पहनने के बाद शेप चेंज हो जाती है कपड़े की, तो
कभी भी टेढ़ापन हो कपड़े में तो उसको पहले अलग करें, फिर उसके बाद ही कटिंग करें। ये मैं अभी दोनों बंद काट रही हूँ, बाद में जब कट हो जाएगा पूरा तो मैं उसको बीच से अलग कर लूंगी एक पार्ट को जो पीछे वाला रहेगा। तो हमने ये बोट नेक काटना है इसका, तो वैसे तो शोल्डर होगा 14 है, मैं इसमें आपको 15 शोल्डर काटती हूँ, 7.5 7 इंच मैं यहां से लूंगी क्योंकि स्लीवलेस बनाना है ये। मैंने 10 मैं रख रही हूँ, बहुत ज्यादा है 10 एक्स्ट्रा रख रही हूँ। शोल्डर 1 इंच डाउन कर देंगे इस तरीके से, बोट नेक कटेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से कटेगा। बस इसमें मैं पीछे डिजाइन लगाऊंगी, आगे पैच लगाऊंगी एक, जिससे थोड़ा ये स्टाइलिश नजर आएगा। ये देखिए ये क्रॉप टॉप तैयार है, सेंटर के कट मारेंगे, गले का सेंटर का कट इस तरीके से, और एक पार्ट को ऐसे अलग कर लेंगे। ये मैं पीछे वाला कर रही हूँ, इसमें मैं पीछे डोरी लगाऊंगी। इसको मैं करीब करीब 1 इंच बीच से कट कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैंने करीब करीब इतना गैप छोड़ना है जिसमें क्रॉस डोरी लगाऊंगी इस तरीके से। इसको फोल्ड करके फिर डोरी लगा दूंगी, ये पीछे का और ये सामने का तैयार है प्लाजो, और मेरा क्रॉप टॉप कट के तैयार है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी स्टाइलिश जैकेट। तो प्लीज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो प्लीज फ्रेंड मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।